Yes, sir. Good evening. Good evening. आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन लाई हूँ और इसका शीर्षक है मसीही जीवन हमेशा हरा भरा नहीं होता है। मसीही जीवन हमेशा हरा भरा नहीं होता है। और हम देखते हैं कि हम जो मसीही लोग हैं, और मैं खास करके एडवेंटिस्ट छोड़ करके, जैसे हम लुधियाना में थे, बहुत सारे दूसरे चर्च के लोग हैं, और चाहे कोई भी किसी को क्या बोलते हैं, अगर तुम मसीही बन जाओगे तो सारा दुख तकलीफ परेशानी सब कुछ हट जाएगा, है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जैसा बोलते हैं कि कोई कोई क्या बोलते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, मसीही बन जाओ, मसीह को अपना लो अपने जीवन में, तो तुम्हारे बच्चे भी बढ़ जाएंगे, तुमको तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, बहुत सारी बातें। और ये सोचते हैं कि जब हम मसीही बन जाते हैं, परमेश्वर के चरणों तले आ जाते हैं, अपने जीवन को हम मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अब खुशी और आनंद का जीवन है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और हमारा जीवन बहुत ही हरा भरा रहेगा। लेकिन यहाँ वचन क्या बोलता है कि मसीही जीवन कठिन हो सकता है, मसीही जीवन कठिन हो सकता है, और खास करके उन लोगों के लिए जो शुरू से मसीही नहीं है, और जब वो मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी उनको घर से निकाल देते हैं। और मैं याद करती हूँ जो हमारा जो इस समय का जो सेक्शन प्रेसिडेंट है पास्टर डाम, उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि जब मैं खुदी स्कूल में थी तो वो भी वहाँ पर आए थे, और उनका जो लाइफ है, और ख़ास करके एक जो उनका गवाहियों वाला किताब जो दिया है, उसमें बहुत सारी बातों को उसने गवाहियों को लिखा है, तो उनका जीवन में बहुत सारा कठिनाई आई जब वह मसीह को अपनाया, बहुत सारा कठिनाई उनका सामना करना पड़ा, इतना तक कि उसके जो माँ और बाप थे उनको भी घर से निकाल दिए, और लास्ट में वो क्या करता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारते हैं, और जिस सच्चाई को उन्होंने पाया है उसमें वो दृढ़ और मजबूत रहे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब मसीही जीवन बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन हमें मार्गदर्शन के लिए प्रभु की शक्ति में पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, और हमें क्या करना है, अपने मार्गदर्शन के लिए हमें अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है, और उसके शक्ति पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है, हमें विश्वास करना है। बाइबल में हम इसराइलियों के बारे में पाते हैं, और ख़ास करके जब इसराइलियों को मूसा क्या किया, मिस्र देश से बाहर ले करके आया, बाहर निकाल करके निकाला उनको, क्योंकि मिस्र देश में ये जो इसराइली लोग थे 450 साल तक थे, और इतने लंबे समय में वो मिस्र देश में रह करके उन मिस्रियों के साथ हर उन चीज़ों को वो लोग सीख गए थे, और वहाँ पर मिस्र देश में रहते हुए वो परमेश्वर को भूल सा गए थे, और मिस्री लोगों की तरह उनका खाना पीना रहन सहन, और कहा वचन में ये बताता है कि वो परमेश्वर को याद नहीं कर सकते थे, उनको सातवां दिन साबत मानने के लिए भी उनको समय नहीं होता था, क्योंकि मिस्र में उनको रह करके बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, उनको काम कराते थे। तो इसलिए तो फिर बोलता है कि परमेश्वर अपनी बढ़ाई हुई हाथों से मिस्र देश से उनको बाहर निकालता है, और हम लोग पढ़ेंगे गिनती 20 का 1-5 पढ़ेंगे हम लोग, गिनती 20 का 1-5 पढ़ेंगे हम लोग। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, और हम लोग कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसा कैसा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया, उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, और जब उनको लाल समुद्र भी पार कराया,
और इस रीति से वो लोग क्या किए, परमेश्वर के उपस्थिति में रह करके वो वहाँ से बाहर निकले। और यहाँ हम देखते हैं गिनती 20 का हम 1 से अगर 5 पढ़ते हैं, इसलिए मैं पढ़ूंगी। पहले महीने में सारी इसराइली मंडली के लोग सिनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। तो देखो, अब लाल समुद्र उनको पार कराया, फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई आई, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिला, तो अब ये क्या कर रहे हैं, गुस्सा होने लगे, मूसा से झगड़ने लगे और क्या बोलते, हमें जंगल में क्या करने के लिए आए हो, मरने के लिए ले आए हो, भला होता हम वहीं मर जाते। और 4 में देता है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। देखो किस तरह से मूसा से वो झगड़ने लगे, हम लोग वही ठीक थे, हम अब अपने जानवरों के साथ अपने पशुओं के साथ इस जंगल में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ना यहाँ हमारे लिए पानी पीने के लिए पानी है और ना देखो हमें कितना मुश्किल हो रहा है, और तुम लोग हम लोग मिस्र देश में जैसे भी थे पर हम बहुत अच्छे थे, हमें खाने पीने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज इनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बुड़बुड़ाने लगे और मूसा से झगड़ने लगे। और देखता है यहाँ आगे लिखा है, वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वो क्या करने लगे, मूसा से झगड़ने लगे। फिर बोलता है, स्वर्ग की सेना के सेनापति परमेश्वर को रफीदीम में पानी की कमी के बारे में पता था। देखो यहाँ पर परमेश्वर जब वहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर को मालूम था ये जो रफीदीम वहाँ जो जगह है वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, इसको परमेश्वर को पता था। और क्यों यहाँ पर बोलता है कि और वह अपने लोगों को उनके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए यहाँ ले आया, और पानी पीने का पानी नहीं होने के कारण परमेश्वर भली भांति जानता था, परमेश्वर उनको परीक्षा में डालना चाहता था, उनको जांचना चाहता था कि वो मेरे प्रति कितने विश्वास है, मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं, और उनके सामने परीक्षा लाया, और क्या परीक्षा लाया, पानी पीने का पानी है ना। और फिर बोलता है, और वह अपने लोगों को उनके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए यहाँ ले आया, परंतु जब वे विपत्ति में पड़े तो वे बलवा करने लगे और परमेश्वर पर भरोसा नहीं किए। जब उन पर विपत्ति आई तो वो क्या करने लगे, बलवा करने लगे, वो झगड़ने लगा और परमेश्वर पर भरोसा भी नहीं किया। इतना कुछ देखते ही वे उन्होंने फिर परमेश्वर पर भरोसा करना भूल गए। मिस्र देश में 10 विपत्तियां उनसे बाहर निकाला परमेश्वर, उनको बचाया, और किस रीति से वहां से बाहर निकाला, लाल समुंदर से कैसे पार कराया, इन सब चीजों को देखने के बावजूद अब क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वे शिकायत करने लगे कि मूसा हमें हमारे बच्चों समेत मिस्र से बाहर इस कारण ले आया है कि हम जंगल में प्यास से मर जाएं, उनके बड़बड़ाहट और विश्वास की कमी के कारण उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया। देखो यहाँ जब इनकी जो बड़बड़ाना, इनका कुड़कुड़ाना और इनका जो विश्वास की कमी से हम ये जान पाते हैं कि ये मिस्र देश में 450 साल वहाँ थे और उनके साथ रहन सहन सब कुछ उनके जैसा हो गया, वो परमेश्वर को भी भूल गए कि हमारा कोई परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, जो हमें मुसीबत के समय में वो हमें बचा सकता है या वो हमारा देखभाल कर सकता है। आज बहुत से लोग सोचते हैं इसी रीति से, हम देखते हैं आज की दुनिया में
बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब वे अपना मसीही जीवन शुरू करेंगे तो उन्हें सभी अनुभवों और कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। यही सोच आज मसीहों का, जब हम मसीही बन जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। बोलता है कि सभी अनुभवों और कठिनाइयों से हमें क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। कोई कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, मसीह हमारे साथ है। लेकिन वचन हमें क्या बताती है, जब तुम मसीह को ग्रहण करोगे तो लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से क्या किया, बैर किया, उनको सताया, है ना। तो जब मसीह, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने उसके साथ वैसा व्यवहार किए, तो हमारे लिए क्या है, वो जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो हमसे भी क्या करेंगे, बैर करेंगे या हमें भी सताएंगे। जैसा सुबह सरमन में इन्होंने कहा था कि जब हम YouTube में देख रहे थे, इसराइल में ये कहा गया कि कोई अब खुलेआम मसीह का प्रचार नहीं कर सकता है, अगर मसीह का प्रचार करोगे तो सीधे उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा दुनिया सचमुच में क्या है, अंत समय में है, अंत ज्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ वहाँ बड़े बड़े शहरों में ऐसा शुरू हो जाएगा, बाद बाद में हमारी इधर भी वही चीज शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और जब ये सब सुनती हूँ तो मुझको मिसेस एलन जी वाइट का बातें याद आते हैं। वो कहती है कि बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके गाँव में बसो। और अभी मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि क्यों मिसेस एलन जी वाइट इस तरह से कहती थी, क्योंकि हम गाँव में शहरों में रहते हुए हम क्या करते हैं, जो कुछ हम खरीदते हैं, खाते हैं, सब में क्या है, जहर का आ रहे हैं, हर चीज में, सब्जियों में बोलो, फल में बोलो, दूध में बोलो, सब चीज में क्या है, जहर है। और गांव में बसो और अपना अपना खेती करो, अपने अपने गार्डन लगाओ और खाओ। तुम जब ऐसा करोगे तुम प्योर चीज खाओगे। और जब हम खरीद करके खाते हैं तब ये चीज महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे, और अंतिम समय में जब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में बोलता है कि तुम जब बसु का छाप नहीं लोगे तुम ना खरीद बिक्री कर सकते हो, ना लेन देन कर सकते हो, यही समय है। तो इसीलिए ये कहता है, ठीक है। तो ये हमारे मसीही जीवन का ये जीवन है। और जब ऐसा कठिनाई आता है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर हमें क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि वही हमारे लिए रास्ता खोलेंगे, उपाय बनाएंगे। तो आज बोलता है, लेकिन वे सभी जो मसीह का अनुसरण करने के लिए अपना क्रूश उठाते हैं, अपने अनुभव में प्रतिदिन आते हैं। आज जब हम आज के जमाने में बोलेंगे, आज के मसीही लोगों का हम कहेंगे कि जो मसीह का अनुसरण करने के लिए अपना क्रूश उठाना, इसका क्या मतलब है, क्रूश उठाना का क्या मतलब है ना, उन कठिनाइयों का सामना करना, जो भी मसीह के कारण उन कठिनाइयों का सामना करना। तो वो है, वो बोलता है कि जब अपने लिए आप उसका अपना क्रूश उठाते हैं, अपने अनुभव में रफीदिम आते हैं। रफीदिम में क्या कहते, इसराइली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, उनका विश्वास कम हो गया था, वो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिए। और बोलता है कि जीवन सब हरी भरी चरागाहों और शीतल जल धाराओं से नहीं बना है। निराशा हमारे ऊपर आ जाती है, कोई भी परेशानी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, घबराने लगते हैं हम। लेकिन यहाँ बोलता है कि हमारे ऊपर निराशा आ जाती है, तंगी आ जाती है, परिस्थितियाँ आती है जो हमें मुश्किल जगहों पर ले आती है। तो हम कभी ये न सोचे हम मसीह ही बन गए हैं तो हमारे लिए सब कुछ बहुत ही आराम की जिंदगी है, नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम मसीहियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उसमें हमें क्या नहीं करना है, हमें बोलता है कि इन सब परेशानियों में
हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, बोलता है। और फिर बोलता है कि हम पाते हैं कि गंभीर परीक्षाएं हमारे सामने आती है, हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर से दूर चले गए हैं। जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, परमेश्वर हमें छोड़ दिए हैं, और इसीलिए हमारे ऊपर ये सारे परेशानी आती है, मुश्किल आती है, हमें तकलीफ सहना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं, परमेश्वर हमें छोड़ दिए हैं, हम यही सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ये सब हमारे जीवन में आने का कारण क्या है, परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है, परखता है कि हम कितना उसके विश्वास में हम मजबूत हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं भी लाते हैं। और फिर बोलता है कि हम तर्क करते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलते तो हमें ऐसा कष्ट नहीं होता, या अपने मनोमिल को भी ऐसी बातें आती है। लेकिन हम ये जाने कि हम मसीह हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो हमारे ऊपर ये तकलीफ, ये परेशानी, ये कष्ट आएंगे, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण करना है, हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम सहायता मांगते हैं, तो इन मुश्किलातों से भी हमें परमेश्वर क्या करता है, हमें संभालता है। और फिर बोलता है कि परंतु प्राचीन काल में यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा को रपीदीम में ले गया, और वह हमें भी वहां लाने के लिए चुन सकता है। तो इन इसराइलियों को उस रपीदीम में, उस परीक्षा में पढ़ने के लिए ले गया था, तो आज परमेश्वर हमें भी रपीदीम में ले जा सकता है। इसका मतलब क्या है, हमें परीक्षा में डाल सकता है कि हम कितना मजबूत हैं उसके विश्वास में, ताकि हमारी सच्चाई और उसके प्रति वफादारी का परीक्षा किया जा सके। हमें डगमगाना नहीं है, हम पर दया करके वह हमेशा हमें आसान जगहों पर नहीं रखता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हमारी आत्मनिर्भरता में हम भूल जाएंगे कि आवश्यकता के समय में परमेश्वर हमारा सहायक है। जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, हम परमेश्वर को ही भूल जाएंगे। होता है कि नहीं होता है, जब सब कुछ भरपूरी है, ना हमें हमारे ऊपर कभी परेशानी आएगी, ना कभी हमारे ऊपर तंगी आएगी, कभी हम बीमार पड़ेंगे, कभी नहीं पड़ेंगे, तो क्या होता है, हम परमेश्वर को भूल जाएंगे और हमारा विश्वास भी कम हो जाता है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसा आता है, जब कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ हम बनाते हैं। अगर नहीं होता कुछ, हम दुनिया में बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, समय मिला तो हम परमेश्वर के पास आए, समय नहीं मिला तो हम और कहीं चले गए, मौका मिला तो हम चर्च आए, नहीं मिला तो हम चर्च नहीं आए। हम कभी कभी क्या करते हैं, घर में भी अपना पर्सनल स्टडी, प्रार्थना भी हम करना भूल जाते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे जीवन में परिस्थिति आना चाहिए, तंगी आना चाहिए, बीमारी आना चाहिए। ये मैं मत समझना कि मैं ये गलत बोल रही हूँ, क्योंकि ये इसलिए आता है कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, इसीलिए ये आना चाहिए, नहीं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो हम यही सीखते हैं कि हम जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हम किस रीति से बनाएंगे, परिस्थिति मुश्किलें आएंगे हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर के साथ और भी जुड़ेंगे, है ना, नज़दीक हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर कहता है कि मसीह जीवन हमेशा हरा भरा नहीं होता है। हम पाप में दुनिया में रहते हैं और हम सब पापी हैं, तो हमसे पाप और अपराध हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। लेकिन हमें कभी कभी परमेश्वर जब देखता है कि हम पाप में पड़ गए, तो हमें उससे बाहर निकालने के लिए भी हमारे सामने परीक्षाएं आने देती हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।